हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो उस क्रम में हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? समित अमूर्त है, समित व्यक्तियों का समूह है, समित व्यक्तियों का संगठन है, समित की सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो आंसर है समित अमूर्त है। समित के बारे में हम जान लेते हैं कि एसोसिएशन किसे कहते हैं। तो प्रायः समिति और संस्था इसे लोग एक ही मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रायः समिति और संस्था को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। समिति काफ़ी अलग है और संस्था काफ़ी अलग है। तो समाजशास्त्री जो हैं वो महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल को संस्था और समिति दोनों मानते हैं। कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो महाविद्यालय, विद्यालय, हॉस्पिटल को संस्था और समिति दोनों मानते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस रूप में देखा जा रहा है। मतलब इस प्रोस्पेक्टिव में कि महाविद्यालय या विद्यालय या हॉस्पिटल को संस्था क्यों मानते हैं, वह यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे समिति के रूप में देखा जा रहा है या संस्था के रूप में देखा जा रहा है। तो अतः दोनों को समझ लेना यहाँ जरूरी है। तो मनुष्य अपने स्वार्थ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नई नई समितियों का निर्माण करता है, नई नई समितियों व संस्थाओं का निर्माण करता है। तो समिति की परिभाषा एक बीरस्टीड महोदय हैं, समिति की परिभाषा, इनकी परिभाषा से हम समिति को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये बीरस्टीड महोदय क्या कहते हैं कि समिति एक संगठित समूह है। समिति एक संगठित समूह है, वह समूह बड़ा या छोटा हो सकता है। चूँकि समिति संगठित होती है, इसलिए इसमें संरचना एवं स्थिरता पाई जाती है। तो ये परिभाषा दिया है बीरस्टीड महोदय जी। तो परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए परिभाषाओं के माध्यम से हम समिति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीरस्टीड महोदय एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि समिति एक संगठित समूह है, वह समूह बड़ा या छोटा हो सकता है। चूँकि समिति संगठित होती है, इसलिए इसमें संरचना एवं स्थिरता पाई जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए कि इनकी परिभाषा में समिति की जो जो विशेषताएँ होती हैं वो सारी इनकी परिभाषाओं में आ गई हैं। तो समिति के तत्व देख लेते हैं हम कि समिति में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो समिति में संगठन पाया जाता है, परस्पर सहयोग पाया जाता है, संगठन के लिए विशेष प्रयास मतलब किया जाता है, और एक स्वीकृत कार्य प्रणाली होती है। समिति में एक स्वीकृत कार्य प्रणाली होती है और निश्चित उद्देश्य होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। और ये जो स्वीकृत कार्य प्रणाली है, इसे ही संस्था कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे आगे कि संस्था के बारे में भी। तो ये सब समिति के तत्व हैं। समिति में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो समिति में संगठन पाया जाता है, परस्पर सहयोग पाया जाता है, संगठन के लिए विशेष प्रयास किया जाता है, और एक स्वीकृत कार्यप्रणाली होती है, और एक निश्चित उद्देश्य होता है, और ऐच्छिक सदस्यता होती है। तो इस प्रकार विश्वविद्यालय, फुटबॉल क्लब, परिवार, मजदूर यूनियन, भारतीय जनता पार्टी, ये सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समितियों के उदाहरण हैं। जैसे कि समितियां कई प्रकार की होती हैं, सामाजिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, राजनीतिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। तो उसमें विश्वविद्यालय, फुटबॉल क्लब, परिवार, मजदूर यूनियन, भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर प्रकार की समितियों के ये उदाहरण हैं। परंतु यदि इन समितियों के अमूर्त पहलू, इन समितियों के जो अमूर्त पहलू हैं, जैसे उद्देश्य, नियम कानून, काम करने के तरीके, तो ये सब जो हैं ये सब संस्था हैं। और तो ये इसलिए समिति अमूर्त नहीं है। जो उसमें समिति में जो पाए जाते हैं, जो उद्देश्य पाए जाते हैं, नियम कानून पाए जाते हैं, कार्य करने के तरीके पाए जाते हैं, तो ये सब अमूर्त हैं। और ये सब अमूर्त हैं तो इसे ही संस्था कहा जाता है। जो नियम कानून से जो कोई समिति संचालित होती है, जो उसमें कार्य प्रणाली होती है, उद्देश्य होते हैं, ये सब संस्था के अंतर्गत आते हैं।
तो समिति की विशेषताएं हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सुनियोजित संगठित समूह होता है, समिति में एसोसिएशन में सुनियोजित संगठित समूह होता है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सदस्यता की शर्तें होती हैं, निश्चित नियम होता है, पदाधिकारी की व्यवस्था होती है, समिति के नाम और प्रतीक होते हैं, समिति में अस्थायित्व की मात्रा होती है कि मतलब किस समय कितने समय के लिए यह समिति बन रही है, और जब पर्पस पूरा हो जाता है तो समिति समाप्त भी हो जाती है। तो इसलिए समिति में अस्थायित्व की मात्रा पाई जाती है कि मतलब कितने कितने दिन तक यह रहेगी, अस्थायी नहीं होती है। और संबंध जो हैं वो औपचारिक संबंध होते हैं, जो समिति के सदस्य होते हैं उनमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, संस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो मूर्त संगठन पर आधारित है, संगठित समूहों से जुड़ाव, कुछ भौतिक संरचनाओं से संबंध, या जटिल व्यवहार प्रतिमान पर आधारित। तो इसमें संस्था के कौन से लक्षण नहीं हैं, आंसर है मूर्त संगठन पर आधारित। ये जो है संस्था जो होती है वो अमूर्त होती है। अभी हमने समिति के उसमें देखा कि जो उसमें उद्देश्य होते हैं, कार्यप्रणाली होती हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं जो समिति को संचालित करने के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो अमूर्त पहलू हैं। तो इसलिए जो संस्था है वो अमूर्त है, मूर्त संगठन पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, यह किसने परिभाषित किया कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है और सामाजिककरण कहलाता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, हमारा आंसर है H.M. जॉनसन, हैरी एम जॉनसन का स्टेटमेंट है। तो हम और लोगों का स्टेटमेंट सामाजिकरण से संबंधित देख लेते हैं, दो तीन लोगों का, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हर समाजशास्त्रियों के स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम उन लोगों के स्टेटमेंट रखेंगे जो कि थोड़े मतलब नए प्रकार के थिंग वो हैं, नए स्टेटमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी नहीं गई हैं, तो उन लोगों को भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक दो स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं जो कि हम लोग ज़्यादा पढ़े नहीं रहते हैं। तो किम्बाल यंग सामाजिकरण से संबंधित अपनी परिभाषा देते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी परिभाषा किम्बाल यंग की है। फिर से एक बार परिभाषा सुनते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये किम्बाल यंग महोदय की परिभाषा है। लेस्ली महोदय क्या परिभाषा देते हैं सामाजिकरण से संबंधित? तो लेस्ली महोदय कहते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह लोग सीखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का कैसे सामना किया जाए। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग यह सीखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का सामना कैसे किया जाए। तो ऐसी परिभाषा जो है ये लेस्ली महोदय देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो आजीवन चलती है, जो सोशलाइजेशन है यह व्यक्ति के जीवन में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया आजीवन चलती है, और कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने जीवन भर सीखता रहता है। व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ सीख लिए, अब हमको सीखने की ज़रूरत नहीं, या इसकी कोई टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ही सामाजिकरण, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। बस अंतर इतना है कि सिर्फ सीखने की मात्रा का है, बस इतना अंतर है कि मतलब कौन किस मात्रा में कितना सीख रहा है। तो इस संबंध में बीरस्टीड महोदय क्या कहते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं बीरस्टीड महोदय जी कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता है। क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता, मतलब इनके स्टेटमेंट का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वो गॉड गिफ्टेड नहीं होता, वहाँ से बना बनाया नहीं आता है, यह समाज में ही आकर व्यक्ति सीखता है और उसी के हिसाब से उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो बीरस्टीड महोदय ये परिभाषा देते हैं कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 54,
समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। अब देखिए समिति इस प्रैक्टिस सेट में समिति एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है कि समिति से कितने क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कभी परिभाषा के रूप में, कभी समिति की विशेषता के रूप में और कभी संस्था की विशेषता के रूप में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 54, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना, तो यह परिभाषा किसकी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बोगार्ट्स की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय व शोषण से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 29, आर्टिकल 46, आर्टिकल 51। तो कौन सा है जो शोषण से संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 46 जो है ये शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। और जो ये आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24, ये 23-24 है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसमें जो है आर्टिकल 23 में जो मजदूरों से बलात् श्रम लिया जाता है या मानव तस्करी से संबंधित है 23, और 24 जो है ये जो बच्चे, नाबालिग बच्चों से श्रम करवाया जाता है कंपनी फैक्ट्री वगैरह में काम करने, तो वो काम करने के निषेध से संबंधित है कि मतलब बच्चों से अगर ऐसा कोई काम करवाता है तो वह दंडनीय होगा। तो आर्टिकल जो है 24 बच्चों से संबंधित है, नाबालिग बच्चों के श्रम से संबंधित है, और 23 जो है ये मानव तस्करी से संबंधित है या बलात् श्रम से संबंधित है, और 29 और 30 ये 29-30 जो है ये अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान किया जाता है 29 और 30 आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 56, विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसमें वह समय के साथ सूचनाओं की अचेतनात्मक पुनरावृत्ति करता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसमें वह समय के साथ सूचनाओं की अचेतनात्मक पुनरावृत्ति करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका पहले आंसर ऑप्शन नंबर 3 माना गया था, पर रिवाइज आंसर, फाइनल आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 माना गया है, ये गलत है। पहले यही माना गया हो, ज़्यादातर लोग यही मान के चल रहे हैं। हमने देखा है कि जब वो क्विज वगैरह लगाते हैं लोग तो उसमें यही ऑप्शन सही होता है, पर ये पहले माना गया था, लेकिन फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 2 को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 57, जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हमारा आंसर है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं जब अनुसंधानकर्ता किसी समूह का सदस्य बन जाता है। तो थोड़ा सा सहभागी अवलोकन के बारे में हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सर्वप्रथम उल्लेख, ये क्वेश्चन बना था GIC 2021 में कि इसका सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो सर्वप्रथम उल्लेख लिंडमैन ने 1924 में प्रकाशित पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया है। सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख जो है लिंडमैन ने अपनी पुस्तक 1924 में प्रकाशित हुई थी तो सोशल डिस्कवरी में किया था। तो जॉन मेज की परिभाषा देख लेते हैं कि ये जो है ये परिभाषा देते हैं सहभागी अवलोकन से संबंधित कि जब इनकी एक पुस्तक है जॉन मेज की द टूल्स ऑफ सोशल साइंस में ये एक परिभाषा देते हैं कि जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य सदस्यों के हृदयों की धड़कनों से मिल जाती हैं, जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य सदस्यों के हृदयों की धड़कनों से मिल जाती हैं और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता है, तो वह सहभागी अवलोकन है। तो ये परिभाषा जॉन मेज की है, ये देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है? कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था,
ये पहले आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी माना गया था, लेकिन ये बाद में ये क्वेश्चन डिलीट है। अगर आप ये लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं ये प्रैक्टिस सेट और इसके आंसर की दोनों टेलीग्राम पे सेंड कर दूं। अगर आप कहेंगे कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी और आप लोग मतलब एक साथ ही 150 क्वेश्चन हैं तो मतलब आप खुद ही देख लीजिएगा इसको जल्दी अगर सॉल्व करना है तो। टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। पर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसका पीडीएफ, इस बुकलेट का और आंसर की का। तो क्वेश्चन नंबर 59, संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, तो ये किसका कथन है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये योगेंद्र सिंह जी का कथन है। जैसे कि संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट जो है एम एन श्रीनिवास ने दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये योगेंद्र सिंह जी की है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसे ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, एक प्रथा जिसमें वयस्कों को उनके बच्चों के नाम को सम्मिलित कर संबोधित किया जाता है उनके नाम से नहीं, तो वह क्या कहलाता है? अनुसंतति संबोधन, परिहार, परिहार संबंध, सप्रसविता। तो हमारा आंसर है अनुसंतति संबोधन, टेक्योनॉमी जिसे कहते हैं। और टेक्योनॉमी किसकी अवधारणा है? तो ये टायलर की अवधारणा है। और टेक्योनॉमी में क्या होता है कि जो मतलब कोई अपने मतलब अपने से बड़े को बुलाना चाहते हैं तो अपने उनके बच्चों के नाम से, जैसे अपने हस्बैंड का ही नाम हमारे समाज में है कि नहीं औरतें लेती हैं, उनके बच्चों के नाम से उनको संबोधित करते हैं। और जैसे घर में ससुर हुए, जेठ हुए, तो इनका भी नाम नहीं लिया जाता है, तो किसी दूसरे के नाम से संबोधित किया जाता है, तो इसे ही संतति संबोधन कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है टायलर का है। परिहार जो है एवॉइडेंस, तो इसमें भी जैसे जेठ से ससुर से परिहार मतलब कोई बातचीत नहीं करता है, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखता है, तो ऐसे संबंधों को परिहार कहते हैं। और जोकिंग रिलेशन, तो ये भी जीजा साली में, देवर भाभी में ऐसे रिश्ते पाए जाते हैं, तो जोकिंग रिलेशन का इसका कॉन्सेप्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। सहप्रसविता मतलब काउबेर, तो काउबर्ड में क्या होता है कि जैसे पत्नी जब गर्भवती होती है तो जैसे जिन जिन चीज़ों को अवॉइड करती है, जैसे जैसे अपना खान पान करती है, उसी तरीके से पति भी पत्नी की ही तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे काउबर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रुचिहीनता, ये जो है वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। साइंटिफिक ओरिएंटेशन आप सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अभिमुखन विशेषता कौन सी नहीं है? बाकी अनुभाविकता, तार्किक स्पष्टता, तार्किक सुसंगतता ये है, लेकिन रुचिहीनता ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, मजूमदार एवं मदान, दीपांकर गुप्ता या एम एन श्रीनिवास? तो आंसर है दीपांकर गुप्ता। मॉडर्निटी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मॉडर्निटी किसे कहते हैं, और ये दीपांकर गुप्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो इनसे बनता ही है। तो अभी इनके बारे में भी हम देखेंगे कि इन्होंने मॉडर्निटी पे अपना कौन सा सिद्धांत दिया है। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसी से आधुनिकता की शुरुआत माना जाता है। जब 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो इसी से आधुनिकता की शुरुआत को माना जाता है। और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पूर्व वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति से पहले वैज्ञानिक क्रांति भी हुई थी, तो
तो जिसके परिणाम स्वरूप विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया था। औद्योगिक क्रांति से पहले वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, तो जो वो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी तो जो जो लोग मतलब विश्वास करते थे वैसे विश्वास कर लेते थे, तो चाहे जिन बातों पे, तो उस विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। अब इंसान जो था, व्यक्ति जो था, हर चीज़ एक तर्क के रूप में देखने लगा था। तो वैज्ञानिक क्रांति को आधुनिकता का जनक समझा जाता है, वैज्ञानिक क्रांति को आधुनिकता का जनक समझा जाता है। तो आधुनिकता में व्यवहार के स्थान पर वैज्ञानिक और तार्किक आधारों को काम में लिया जाता है। आधुनिकता से तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति व्यवहार में कार्य करता था उसके स्थान पर वैज्ञानिक और तार्किक आधारों को काम में लिया जाता है। और आधुनिकता का तात्पर्य प्रगति से लिया जाता है। आधुनिकता से तात्पर्य क्या है कि प्रगति से लिया जाता है, जिसमें कि पुराने विचारों के स्थान पर नवीन ज्ञानों और उपलब्धियों को काम में लाया जाता है। तो इस संबंध में जॉर्ज रिट्जर महोदय हैं, वो एक परिभाषा देते हैं, जॉर्ज रिट्जर महोदय, कि आधुनिकता का संबंध मूल्यों और विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। ये किससे जोड़ते हैं आधुनिकता का संबंध? तो ये विचारधारा और मूल्यों के साथ जोड़ते हैं। तो इन पे भी क्वेश्चन बना है कि कौन आधुनिकता को मूल्यों और विचारधारा के साथ जोड़ते हैं, तो जॉर्ज रिट्जर। और आधुनिकता का अर्थ मूल्य विचारधारा प्रधान है। इनका कहना है कि आधुनिकता से तात्पर्य मूल्य विचारधारा प्रधान है। आधुनिकता का अर्थ मूल्य विचारधारा प्रधान है। तो और ऐसे एक पार्सन्स महोदय हैं, उन्होंने आधुनिकता पे अपनी परिभाषा दी है। उनका क्या कहना है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है। ये भी क्वेश्चन बना है कई बार कि आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है, ये किसने बोला है? तो ये पार्सन्स ने बोला है। और इससे मिलती जुलती योगेंद्र सिंह ने भी परिभाषा अपनी दी है आधुनिकता की, आपकी आधुनिकता मूल्यों की एक ऐसी गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। तो पार्सन्स क्या कहते हैं कि आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है, लेकिन योगेंद्र सिंह जी कहते हैं कि आधुनिकता मूल्यों की एक ऐसी गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। तो ये दोनों परिभाषाएँ मिलती जुलती हैं, तो इसको हमको ध्यान देना है। और गिडिंग्स का हम लोग जानते ही होंगे कि ये तो आधुनिकता एक तरह का जगन्नाट है, ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। तो इनसे क्वेश्चन बना है हर बार एग्जाम में। और अब बिहार मतलब बीपीएससी के तहत जो एक एग्ज़ाम हुआ था, बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन बना था कि आधुनिकता कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल है। आधुनिकता कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल है, तो ये किसने कहा है? ये टोनीज ने कहा है। और एक क्वेश्चन बना था दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में, नेट का जो 2023 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो उस पर आधुनिकता से संबंधित क्वेश्चन बना था कि किसने क्रेडेंशियल सोसाइटी की अवधारणा एक ऐसे समाज के लिए की, क्रेडेंशियल सोसाइटी की अवधारणा एक ऐसे समाज के लिए की कि जहां लोग डिप्लोमा और डिग्री को विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं के निष्पादन की क्षमता के रूप में देखते हैं। तो ये किसने कहा है, क्रेडेंशियल सोसाइटी की अवधारणा ऐसे समाज के लिए कि जहां लोग डिप्लोमा और डिग्री को विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं को निष्पादन की क्षमता के रूप में देखते हैं? तो ये किसने बोला है? तो ये रेडांस कोलिंस ने बोला है। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में दिसंबर 2023 में बना था। तो अब हम दीपांकर गुप्ता के मॉडर्निटी को देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आरपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि आधुनिकता बहुत व्यापक और जटिल है। आधुनिकता क्या है? बहुत व्यापक और जटिल है, और इसका संबंध केवल तकनीकी तंत्र और औद्योगिकरण और पूंजीवाद से ही नहीं है। मतलब इनका कहना है कि आधुनिकता का संबंध केवल तकनीकी तंत्र, औद्योगिकरण और पूंजीवाद से ही नहीं है, बल्कि इसका केंद्रीय मुहावरा जो है वह व्यवहारों से जुड़ा हुआ है। वह क्या है कि वह व्यवहारों से जुड़ा है। केवल आधुनिकता का तात्पर्य केवल तकनीकी तंत्र और औद्योगिकरण और पूंजीवाद से ही नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि इसका जो केंद्रीय मुहावरा है या केंद्र मतलब इसका तात्पर्य मेन है, वह व्यवहार से जुड़ा है, जो व्यक्ति का व्यवहार है उससे जुड़ा है। केवल पश्चिमी देशों की संस्कृति अपनाने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता। ये कहते हैं कि केवल वेस्टर्न कल्चर को ही अपना लेने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, आधुनिक नहीं होता, बल्कि मतलब आधुनिक नहीं हो जाता है केवल कि मतलब वेस्टर्न कल्चर को ही अपना लिए तो हम मॉडर्न हो गए, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं
पर कहते हैं कि आज के भारतीय समाज पर जो हमारा मतलब आज की जो भारतीय समाज है, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, वो पश्चिमी रहन सहन, खान पान और जीवन पद्धति का ऐसा जहर चढ़ गया है। ये कहते हैं कि आज के भारतीय समाज पर पश्चिमी रहन सहन और खान पान और जीवन पद्धति का ऐसा जहर चढ़ गया है कि वह परंपराओं को अपेक्षा की दृष्टि से देखता है। मतलब ऐसा पश्चिम का ऐसा उस पर रंग चढ़ गया है व्यक्ति के रहन सहन, खान पान और जीवन लाइफ स्टाइल पर, कि ऐसा मतलब जहर चढ़ गया है कि वह परंपराओं की उपेक्षा, अपनी जो परंपराएं हैं हमारी, उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और प्रत्येक विदेशी वस्तु को स्वीकार कर लेता है। मतलब जो भारत की परंपरागत चीज़ें हैं उसकी उपेक्षा करता है और प्रत्येक जो विदेशी वस्तु की चीज़ें हैं उसको स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रवृत्ति को इन्होंने पश्चिम का विषैलाकरण कहा है। इस पर भी क्वेश्चन बना है कि पश्चिम का विषैलाकरण कहा है इन्होंने इस चीज़ को, जो व्यक्ति है जो अपनी परंपराओं की उपेक्षा कर देता है और विदेशी चीज़ों को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तो इस प्रवृत्ति को इन्होंने पश्चिम का विषैलाकरण कहा है, यानी कि बेस्टॉक्सिकेशन कहा है इसको, पश्चिम का विषैलाकरण। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि पश्चिम का विषैलाकरण किसने कहा है, तो दीपांकर गुप्ता ने कहा है। तो इनका कहना है कि देश का अधिकांश युवा वर्ग के लोग हैं इसकी गिरफ्त में हैं। किसकी गिरफ्त में? तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसकी गिरफ्त में जो है अधिकांश, मतलब देश के अधिकांश युवा वर्ग ज़्यादातर इसकी गिरफ्त में हैं, जो ये पश्चिम का रहन सहन, खान पान है। और तो इनसे ये क्वेश्चन RPSC एग्ज़ाम हुआ था, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उससे भी एक क्वेश्चन बना था कि किसने जो है, क्वेश्चन क्या था कि विविक्त जातियों संबंधी विचार किसने दिया। विविक्त जातियों मतलब विविक्त जातियों, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रीट कास्ट कहते हैं, तो इसका विचार किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन बना था RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्ज़ाम में कि विविक्त जातियाँ संबंधी विचार किसने दिया था, यानी डिस्क्रीट कास्ट किसने दिया था, तो ये दीपांकर गुप्ता ने दिया था। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि किस में रखता है? इतिहास में, एक व्यक्ति में, समूह में या संस्था में? तो आंसर होगा एक व्यक्ति में। किस में रुचि रखता है? तो एक व्यक्ति में रखता है। क्वेश्चन नंबर 64, या किसने परिभाषित किया कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, तो ये परिभाषा किसकी है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुडेयोम हार्ट की ये परिभाषा है। कई बार आ भी गई है एग्जाम में, बहुत बार आई है ये। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किसने योग्यता तंत्र की चर्चा की है, यानी कि मेरिटोक्रेसी की बात किसने की है? एस्टुमिन, यम यंग, डेविस एंड मूर, टालकट पार्सन्स। तो किसने की है योग्यता तंत्र की बात? हमारा आंसर होगा ये माइकल यंग ने किया है, ऑप्शन नंबर 2, माइकल यंग ने योग्यता तंत्र की बात की है। योग्यता तंत्र के बारे में इनकी परिभाषा देख लेते हैं, माइकल यंग क्या परिभाषा देते हैं। ये कहते हैं कि आने वाला समय में व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति अपने गुणों यानी योग्यता यानी मेरिट के आधार पर प्राप्त करेगा और जन्म के आधार पर नहीं। ये परिभाषा ऐसी देते हैं अपनी, माइकल यंग परिभाषा क्या देते हैं, कहते हैं कि आने वाले समय में व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति जो है, जो व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति हासिल करेगा, वह अपने गुणों, योग्यता या मेरिट के आधार पर प्राप्त करेगा, जन्म के आधार पर नहीं। ऐसी ये परिभाषा माइकल यंग देते हैं और कहते हैं कि ये अस्तरीकरण के
प्रकारवादी दृष्टिकोण के विरोधी हैं। ये जो प्रकारवादी दृष्टिकोण हस्तरीकरण का जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो उसका जो ये डेविस और मूर ये प्रकारवादी दृष्टिकोण अपना देते हैं, इसके ये विरोधी हैं। और ये जो है मेरिटोक्रेसी का सिद्धांत, इन्होंने जो ये मेरिटोक्रेसी योग्यता तंत्र का सिद्धांत दिया है, तो अपनी किस पुस्तक में दिया है, तो इन्होंने द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी में दिया है। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी में इन्होंने अपने योग्यता तंत्र संबंधी सिद्धांत को दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, द स्टडी ऑफ मैन, ये किसकी पुस्तक है? और रॉल्फ लिंटन, पी वी यंग, जी लुंडबर्ग, किंग्सले डेविस। तो हमारा आंसर होगा रॉल्फ लिंटन, इन्होंने द स्टडी ऑफ मैन, इनकी ये पुस्तक है। तो इन्होंने, जैसा कि रॉल्फ लिंटन को हम जानते ही हैं कि ये जो है इन्होंने परिस्थिति और भूमिका पर काफ़ी वर्क किया है, और अपनी इसी पुस्तक में दिया है, अपनी परिस्थिति और भूमिका संबंधी सिद्धांत को अपने इसी पुस्तक में दिया था जो कि 1936 में लिखी गई थी। तो उसमें एक स्टेटमेंट देते हैं ये रॉल्फ लिंटन अपनी इसी पुस्तक में अपने परिस्थिति और भूमिका से संबंधित सिद्धांत को देते हैं, और परिस्थिति के संबंध में एक स्टेटमेंट देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछी गई है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष स्थान में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो इसी बुक में इन्होंने ये स्टेटमेंट अपना दिया था, और अपनी परिस्थिति और भूमिका को सम्मिलित रूप से इन्होंने व्यवस्थित उल्लेख किया था। जैसा कि परिस्थिति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, परिस्थिति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो मैक्स वेबर ने दिया था। केवल परिस्थिति, केवल स्टेटस की बात सर्वप्रथम वेबर ने किया था, और भूमिका रोल की बात सर्वप्रथम जीएच मीड ने किया था। लेकिन इन दोनों के अवधारणाओं को मिलाकर, परिस्थिति और भूमिका को मिलाकर सम्मिलित रूप से इन्होंने उसका व्यवस्थित उल्लेख अपनी इसी पुस्तक में द स्टडी ऑफ मैन जो कि 1936 में लिखी गई थी, तो उसी में इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 67, कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है? जो कक्षाओं में जो मनोवैज्ञानिक बाधा दूर करने हेतु जो आवश्यक उपाय होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा असंबंधित है? तो अभिप्रेरणा प्रदान करना, नियमित पृष्ठपोषण, दृश्यता सुनिश्चित करना, या ध्यान को बनाए रखना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दृश्यता सुनिश्चित करना, ये नहीं है। बाकी अभिप्रेरणा प्रदान करना यानी कि मोटिवेशन देते रहना, नियमित पृष्ठपोषण फीडबैक बराबर देते रहना रेगुलर, और ध्यान को बनाए रखना यानी कि अटेंशन को बनाए रखना। तो बाकी दृश्यता सुनिश्चितता ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है, कौन सी? तो अवधारणात्मक स्पष्टता, विशिष्टता तथा यथार्थता, जटिलता, अनुभाविक संदर्भ। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड, जटिलता, कॉम्प्लिकेसिटी जो है ये हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वह है जिसके पास विचार होता है, जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, जो जादुओं पर नियंत्रण रखता है, तो जो धर्म के साधनों पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें से मार्क्स पूंजीपति कौन सा है मार्क्स के अनुसार? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 70, सामाजिक नियंत्रण के सचेत और अचेत प्रकार किसने दिए हैं, यानी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस टाइप्स की बात किसने की है सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल की? तो आंसर है सी एच कूले ने की है। और रास महोदय ने सामाजिक नियंत्रण के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने ही दी है, ये रॉस ने। बाकी सचेतन और अचेतन, मतलब सचेत और अचेत प्रकार की जो वर्गीकरण है, ये कूले एवं बर्नार्ड, एक बर्नार्ड का नाम भी आता है, तो कूले एवं बर्नार्ड दोनों ने ये वर्गीकरण सामाजिक नियंत्रण का दिया है। अभी इसके पहले मैंने
काफ़ी सारे वर्गीकरण को, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित सारे वर्गीकरण को बताया है इसके पहले वाली वीडियो में। और रास एक परिभाषा देते हैं सामाजिक नियंत्रण की, तो यह परिभाषा एग्जाम में बनी है, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट एवं पूर्ण साधन है। कानून जो है ये कहते हैं, यह परिभाषा देते हैं कि कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट एवं पूर्ण साधन है। और फिर ऐसे ही कानून की एक परिभाषा और देते हैं थोड़ा सा चेंज करके कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक स्पष्ट इंजन है। तो ये पूछा गया है एग्जाम में, बना है क्वेश्चन, तो इसलिए ये फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिए एक बार कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक स्पष्ट इंजन है, जिससे स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, जो है स्पष्ट इंजन है जिसके द्वारा स्वयं समाज क्रियाशील बनता है। तो ये परिभाषा रॉस ने दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।